राजधानी में आईपीएल सट्टे को लेकर राजधानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। क्री प्लस साइट पर खेलते थे सटोरिये सट्टा। आईपीएल के फाइनल मैच में हार जीत का दांव लगाते 10 सटोरिये चढ़े पुलिस के हत्थे। शाहपुरा क्षेत्र के आकृति इको सिटी के पास बनी आईबीडी किंग्स पार्क कॉलोनी में संचालित हो रहा था सट्टा। एसीपी हबीबगंज मयूर खंडेवाल ने 3 थानों की टीम के साथ दबिश देकर सटोरियों को पकड़ा। सटोरियों से 1 टैबलेट, 4 लैपटॉप, 1 एलईडी टीवी, 25 मोबाइल फोन, 3 डायरिया, 1 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का हिसाब और 1 कार जब्त। डायरियों में मिले लेन देन के आधार पर अन्य सटोरियों की तलाश में जुटी पुलिस। जिला ग्वालियर, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, झांसी, उत्तराखंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सटोरिये। देखने वाली बात तो यह है कि आईपीएल सट्टे की शुरुआत आईपीएल के शुरू होते ही हो जाती है। जैसे ही आईपीएल की घोषणा होती है, जिले, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी सटोरिये सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन आईपीएल की शुरुआत से आखिरी तक पुलिस की ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। छुटपुट कार्रवाइयों को छोड़कर कोई आईपीएल के आखिरी मैच में इस प्रकार की कार्रवाई पूरी आईपीएल के दौरान पुलिस की सक्रियता पर सवाल निशान खड़ा करती है। हालांकि सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज मयूर खंडेलवाल की आईपीएल सट्टे पर यह कार्रवाई तारीफ के काबिल है। इसके अलावा 4 लैपटॉप सीज किए गए हैं, 1 कार भी सीज की गई है और लगभग 25 मोबाइल सीज किए गए हैं, एलईडी टीवी भी सीज। कितने लोग थे वहां पर सट्टा खिलाने में और इनका जो सिंडिकेट था, जो नेटवर्क था, कितने लोगों तक फैला हुआ था? ये मुख्यतः ये लोग जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं, ये भोपाल से बाहर जैसे ग्वालियर के हैं, झांसी के हैं, तो यहाँ के लोकल ना के बाहर के लोग यहाँ पे खेल रहे थे। और ये लोग 10 लोगों को हमने हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनका जो मुख्य है, जो जो मालिक है, सरगना है, वो ग्वालियर में। अच्छा सर, कैश कुछ पता चला कि कितने कितना कैश ये लोग मतलब ट्रांजेक्शन करते थे? जैसे मैंने बताया कि कैश तो था नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सट्टा था वो, अब तो जितने भी ट्रांजेक्शन से वो अकाउंट के थ्रू। अभी तो ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं, पर इसी पूछताछ की जा रही है।